हेलो गाइज, मैं हूँ योगेन चौहान। आप देख रहे हैं बालसी टेक करियर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बिंदास टॉपिक पे चर्चा करूंगा और आपको बेनिफिट और नुकसान दोनों के बारे में बताऊंगा। क्या करने से आपको नुकसान हो रहे हैं, क्या उसको करने से फ़ायदे होने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ वीडियो अपलोडिंग टाइम को लेके। दोस्तों, वीडियो अपलोडिंग के टाइम पे हम लोग बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, जिसका मुझे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी एक क्रिएटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बने रहिए पूरी वीडियो को, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, मैं योगेन चौहान, आप देख रहे हैं बायसी टेक करियर चैनल। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं पूरी वो इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, वीडियो अपलोड करने के समय में हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपलोडिंग होती रहती है और उसी समय हम सारी चीज़ों को डालते हैं, थंबनेल को, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग, इन सारी चीज़ों को सर्च कर करके डालते रहते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, वीडियो आपका कंप्लीट नहीं होता है, सारे उसके कीवर्ड मैच नहीं करते हैं और मैच ना होने के खातिर आपका अनकंप्लीट वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपके सब्सक्राइबर तक नहीं भेजता है। अगर आप प्रोसेसिंग से पहले ये सारी चीज़ें डाल चुके होते हैं तो 100% आपका नोटिफिकेशन रुकने वाला नहीं है, सारे सब्सक्राइबर तक आपका नोटिफिकेशन जाएगा। दोस्तों, ये मेरा आजमाया हुआ है, ये इसको मैंने आजमा के देखा है और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स यूट्यूबर ने मैंने बताया, उन्होंने इसको आजमाया, उन लोगों ने भी इसको सही बताया है। दोस्तों, सेकेंड, आप लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोडिंग के समय में क्या कमी करते हैं, क्या चीज़ आप नहीं करते हैं, इस चीज़ को आप गौर से समझिएगा। दोस्तों, जब भी आप किसी भी वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपकी कोई भी फाइल रिनेम नहीं होती है। अगर आप भी इस सारी फाइल्स को रिनेम नहीं करके अपलोड करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, जैसे ही हम अपने वीडियो को एडिट करने के बाद में जब हम उसको गैलरी में ले जाएं, मुझे उसका कीवर्ड डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं अपने वीडियो में कीवर्ड मैंने डाल दिया, मींस टाइटल को अगर मैंने पहले से ही डाल रखा है अपनी गैलरी में ही, तो वो टाइटल ऑटोमेटिक जब हम अपलोड करते हैं अपने आप से टाइटल वहाँ चला जाता है। इसी तरीके से वीडियो एडिट के बाद में गैलरी में ही आपको वो टाइटल दे देना है, उसके बाद में आपको थंबनेल का टाइटल गैलरी में ही दे देना है, इसके बाद में आप जो भी एमिनेशन डाल रहे हैं, सब्सक्राइब बेल घंटी को लगा रहे हैं, उसको भी रिनेम आप कर दीजिएगा सेम टाइटल से, और इसके अलावा जो भी एमिनेशन बीच बीच में आप अपने वीडियो के अंदर डाल रहे हैं, सारी फाइल्स को आप रिनेम कर दीजिए अपने टाइटल के द्वारा। जब आप टाइटल के द्वारा रिनेम करेंगे, सारी फाइल मिक्सअप होके जब अपलोडिंग करेंगे, प्रोसेसिंग से पहले सारी चीज़ यूट्यूब को मिलेगी, तो यूट्यूब उस चीज़ को समझ पाता है और वो एक मिक्सअप हो जाता है यूट्यूब में, वो हमारा अल्गोरिथम में फंसने लगता है और मेरा वीडियो काफ़ी ग्रो होने लगता है। दोस्तों, वो टाइटल आपका एक बड़ा कीवर्ड बन जाता है अगर हम ये चीज़ अपलोडिंग से पहले कर लेते हैं। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, बिल्कुल मत भूलिएगा इस चीज़ को। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा, जिन लोगों को नहीं पता है, ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा फायदे देने वाली है। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।